Hello friends, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy. और ये हमारा NTSC का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं और इस वाले चैप्टर में हम लोग समझेंगे, इस वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होने के बाद में कौन कौन सी दूसरी एक्टिविटीज होती हैं, इसे हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इस टॉपिक का हम नाम देंगे वो होगा टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, है ना, टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये जो है इस टॉपिक का नाम होगा और इस टॉपिक में हम लोग टोटल कवर करेंगे 1922 से, है ना, 1930 के बीच में जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होगा 1930 में। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, 1922 में क्या खत्म हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट होगा, 1930 में। तो जो 8 साल का गैप है दोनों मूवमेंट के बीच में, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरा चौरी इंसिडेंट्स के बाद में खत्म होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें महात्मा गांधी जी को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इस पूरे इंसिडेंट की वजह के लिए, और उसकी वजह से महात्मा गांधी जी को 6 साल की जेल हो जाती है ना। तो 1922 में महात्मा गांधी को जेल भेज दिया जाता है फॉर 6 ईयर्स। अब उसके बाद में आप समझिए कि पूरे देश में जो है जो आशा था वो निराशा में बदल चुका है। महात्मा गांधी जेल जा चुके हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो चुका है। तो इस कंडीशन में जो कुछ लोग थे, है ना, जो पहले से ही ऐसा सोचा करते थे कि हमें इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, लड़के पावर में आना चाहिए और ब्रिटिशर्स को फिर से अपोज करना चाहिए, तो ऐसे ही कुछ लीडर्स ने एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाया जिसे कहते हैं स्वराज पार्टी, है ना। तो यहां पर देखेंगे हम लोग स्वराज पार्टी, तो ये मैं यहां पर लिखता हूं इसे स्वराज पार्टी। कब बना था भाई स्वराज पार्टी, तो ये बना था 1923 में, है ना। किन्होंने बनाया था, तो सी आर दास, जिन्हें चित्रंजन दास भी कहते हैं, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, है ना, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ओके, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी ने बनाया था। मोतीलाल नेहरू जी जो है वो फादर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे जाकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे और मोतीलाल नेहरू जी एडवोकेट थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी उनके जो बेटे हैं ना वो भी एडवोकेट थे। सी आर दास चित्रंजन दास भी जो है वो भी एडवोकेट ही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एडवोकेट उस समय के थे वो मैक्सिमम पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे, है ना। तो ये स्वराज पार्टी मैंने आपको बताया। स्वराज पार्टी कई जगहों से जो है वो लड़ती है चुनाव और जीतती भी है कई जगहों से, है ना, तो उतना ज्यादा अनसक्सेसफुल नहीं थी। और आगे जाके जब पूर्ण स्वराज होगा 1929 में लाहौर का सेशन होगा, उसके बाद 1930 में ये फिर से कांग्रेस पार्टी में मिल जाती है ना। तो इनका यूनिफिकेशन कांग्रेस पार्टी में कब हो जाएगा, आफ्टर पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन 1929 कब हो जाएगा, 1930 में इनका विलय हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसमें, कांग्रेस पार्टी में फिर से, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्वराज पार्टी। अब उसके बाद देखते हैं 1924 में क्या हुआ। ठीक, 1924 में आते हैं। 1924 में गांधी जी रिटर्न फ्रॉम जेल, है ना, गांधी जी रिटर्न फ्रॉम जेल, ओके, गांधी जी रिटर्न फ्रॉम जेल। कब आते हैं भाई ये, 1924 में। कब आएंगे, 1924 में। अब आप बोलोगे कि सर उनका तो 6 साल को का सजा हुआ था, है ना, उनको तो जो है 1928 में वापस आना चाहिए था, ये 1924 में सिर्फ 2 साल के अंदर ही कैसे वापस आ गया। तो इसका आंसर ये है कि गांधी जी का जो तबियत है ना वो जेल में बहुत ज्यादा खराब हो गया था, है ना। सो ड्यू टू पुअर हेल्थ कंडीशन उनको अर्ली रिहा किया गया, वरना मान लीजिए अगर जेल में गांधी जी को कुछ हो जाता बाई मिस्टेक, है ना, तो लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बेहतर समझा कि गांधी जी को क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। ठीक है, तो जैसे ही गांधी जी वापस आते हैं, है ना, वापस आने के बाद में कांग्रेस का एक सेशन होता है कर्नाटक में बेलगांव में, तो वहां पहली बार गांधी जी जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और वो आखिरी बार था, है ना।
तो पहला और आखिरी बार गांधी जी कब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे, 1924 में कर्नाटक के बेलगांव सेशन में, है ना। तो ये याद रखिएगा आप, एक ही बार बने थे यू नो महात्मा गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट उसके आगे क्या होगा। तो उसके आगे जो है 1925 में, है ना, सीपीआई दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड आरएसएस, है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये दोनों का फॉर्मेशन होता है 1925 में, है ना। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दोनों का फॉर्मेशन कब होगा, 1925 में। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, दैट इज 1927, है ना, 1927 साइमन कमीशन जो है वो बनाया गया। साइमन कमीशन वॉज यू नो मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये जो साइमन कमीशन है वो 1928 में आया भारत, है ना, ही मीन इंडिया। और जैसे ही भारत आया, ठीक है, ये जो साइमन कमीशन, इसके लीडर कौन थे, सर जॉन साइमन थे, है ना। और जब ये भारत आता है तो इनको गो साइमन गो बैक का नारा यू नो लगाया जाता है। अब ये बताइए कि साइमन गो बैक का नारा क्यों लगाया गया, क्यों लोग चाहते थे कि इनको जो है वो वापस भेजा जाए, क्योंकि ये जो साइमन कमीशन है वो भारत आया था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को फिर से यू नो रीडिजाइन करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस पूरे कमीशन में एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। तो आप समझिए कि आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आए हैं लेकिन उसमें एक भी मेंबर आपने नहीं रखा, है ना, तो ये तो बहुत ही गलत है। तो इसीलिए यू नो इस पूरे साइमन कमीशन का जो है विरोध हुआ और साइमन गो बैक के नारे लगे, है ना। फाइनली जो सबसे बड़े लीडर थे जिन्होंने पूरा ये जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे वो थे लाहौर से लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जी जब इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर में, तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है यू नो नवंबर 1928 में। और जब उनकी मृत्यु होती है ना, तो उनका आखिरी शब्द था कि मेरा जो शरीर पर पड़ा हर लाठी का एक वार ब्रिटिशर्स के कफन पर पड़ा हर एक यू नो आखिरी कील के बराबर होगा। तो इस ये जो कथन था, ये जो वाक्य था उनका, आगे जाके वो सत्य भी होता है। और ये जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे वो, उन उसका बदला लेते हैं भगत सिंह, है ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन जैसे यू नो लीडर जो है वो बिल्कुल भी नॉन वायलेंस पर बिलीव नहीं करते थे, गांधी जी की इस विचारधारा को बिल्कुल भी नहीं फॉलो करते थे। वो समझते थे कि वायलेंस ही एक ऐसा यू नो हथियार है जिसकी मदद से हम जो है ब्रिटिशर्स को लड़कर हराकर और अपना आजादी ले सकते हैं, है ना। इसीलिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बाकी अन्य यू नो लीडर्स ने एक यू नो ग्रुप को फॉर्म किया था जिसे कहते हैं HSRA, है ना, याद रखिएगा HSRA। तो ये HSRA क्या है, HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना, याद रखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सॉरी आर्मी, ए फॉर आर्मी है, याद रखिए ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने इसको यू नो पर बनाया था और अन्य लीडर ने। तो आगे जाके यू नो भगत सिंह जो है और बाकी अन्य लीडर्स ने मिलकर जो है उनके ऊपर जो अटैक किए थे, लाजपत राय के ऊपर जो अटैक किए थे सांडर्स, है ना, उनका मर्डर कर देते हैं और उनका बदला ले लेते हैं। बाद में जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और भी कुछ लीडर्स जो है वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंक देते हैं, जिसकी वजह से यू नो भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है और सुखदेव और राजगुरु भी होते हैं। तो इन तीनों को जो है वो फांसी की सजा दे दी जाती है 1931 में, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि कैसे एक जवान, एक यंग यू नो इंडियन भगत सिंह ने अपनी पूरी जवानी कुर्बानी कर दी, अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया देश के नाम पर, है ना। तो इस तरीके के हमारे फ्रीडम फाइटर हैं जिनसे हम लोग बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं, ठीक। सो आई होप दिस इज यू नो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दैट इज HSRA, है ना। उसके बाद में देखते हैं जो साइमन कमीशन था वो उन्होंने अपना जो रिकमेंडेशन दिया वो दिया 1929 में, है ना। सो दे हैव गिवन देयर रिकमेंडेशन इन 1929। अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, तो इन्होंने बेसिकली टू रिकमेंडेशन दिया था, एक था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, है ना, और दूसरा है डोमिनियन स्टेटस का, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस।
तो एक है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और दूसरा क्या है डोमिनियन स्टेटस। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेसिकली जो है ना वो भारत में नहीं होगा, ये कहां होगा, लंदन में होगा, ब्रिटेन में होगा। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया जाएगा, है ना। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले यू नो सबसे बड़े लीडर का नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और गांधी जी ने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट यू नो किए थे। और ये जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो टाइमिंग है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये तीनों का जो टाइमिंग है याद रखिएगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930 में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1931 में, और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है वो 1932 में, है ना। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो सेकेंड वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें गांधी जी जो है वो हिस्सा लेंगे। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गांधी जी ने पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया गया था, डोमिनियन स्टेटस के यू नो प्रपोजल को कैंसिल कर दिया गया था बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसीलिए चूंकि इसको बॉयकॉट कर दिया गया था, इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग और जो यू नो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया कि हमको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो डोमिनियन स्टेटस है ना उसको मैं बताना चाहूंगा। डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है आधी आजादी, हाफ इंडिपेंडेंस, है ना। मतलब कि आजादी मिलने के बाद भी आप एक तरीके से ब्रिटिशर्स के अंडर पे ही रहेंगे डायरेक्टली या अनडायरेक्टली, है ना। तो ये जो डोमिनियन स्टेटस है ना उसको सभी ने यू नो स्टेट अभी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बीच में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भारत ने, भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने अपने लेवल पर एक यू नो कमेटी बनाई थी जिसे कहते हैं नेहरू कमेटी, जिसके लीडर थे मोतीलाल नेहरू, है ना। तो उन्होंने जब अपना रिपोर्ट पेश किया, रिपोर्ट सबमिट किया, तो उन्होंने ये डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया था। बाद में मोतीलाल नेहरू का जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है लोगों ने कि आपने कैसे ये डोमिनियन स्टेटस यू नो एक्सेप्ट कर लिया था। फिर बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यू नो डोमिनियन स्टेटस के प्रपोजल को कैंसिल कर दिया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के प्रपोजल को भी कैंसिल कर दिया, है ना। तो इस तरीके से जो है ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है। उसके बाद में मैं एक चीज और आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो 1929 है ना उसी साल जो है लाहौर सेशन भी हुआ था। यहां पर मैं लिख देता हूं बहुत फेमस सेशन है ये लाहौर सेशन। कब हुआ था? 1929, है ना। लाहौर सेशन हुआ था 1929 में और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर सेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके यू नो लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इन्होंने लाहौर सेशन से एक बहुत ही फेमस यू नो नारा दिया जिसे कहते हैं पूर्ण स्वराज। मतलब हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए, उससे कम कुछ नहीं, है ना, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये नारा दिया गया और ये भी डिसाइड किया गया कि नेक्स्ट ईयर, दैट इज नेक्स्ट ईयर मीन्स 30 जनवरी 1926, है ना। तो 30 जनवरी 1926 को जो है हम लोग अपने देश का पहला आजादी दिवस जो है वो बनाएंगे, है ना। वी विल सेलिब्रेट फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया नेक्स्ट ईयर 26th of January 1930। तो ये जो है प्रपोजल लाहौर सेशन में लिया गया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस पूरे वीडियो में हम इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरा स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यू नो गांधी जी को जेल हो जाती है 6 सालों के लिए बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इन दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो वायलेंस एक्टिविटी हो जाता है ना चौरी चौरा में, उसके लिए। उसके बाद में स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में बाई सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। उसके बाद में गांधी जी यू नो रिटर्न हो जाते हैं जेल से ड्यू टू पुअर हेल्थ कंडीशन।
सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है 1925 में। उसके बाद में 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है ना, और भारत आता है 1928 में, जिनको यू नो स्लोगन से स्वागत होता है साइमन गो बैक, है ना। जो सबसे बड़े लीडर होते हैं लाहौर से वो लाला लाजपत राय होते हैं, जिनकी लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है और उनका बदला कौन लेता है, एचएसआरए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो भगत सिंह है ना, वो उनके जो लाठीचार्ज उनपे किया था, उनपे जो ऑर्डर दिए थे सैंडर्स, तो उनकी हत्या कर देते हैं वो। उसके बाद में साइमन कमीशन जो है वो अपना रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें वो दो चीजों को प्रपोज करते हैं, जिसको लॉर्ड इरविन उस समय जो वॉइस रॉय थे भारत के, है ना, इस पूरे मूवमेंट में जो वॉइस रॉय थे भारत के उनका नाम था लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने भी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये दोनों का दोनों प्रपोजल क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। हमें सिर्फ और सिर्फ अब क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं। तो इस तरीके का जो था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और डोमिनियन स्टेटस, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अब उसके बाद मैंने बताया कि जो लाहौर सेशन हुआ था ना 1929 में, जिसकी अध्यक्षता इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्षता थे वो कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने डिमांड किया, इन्होंने बोला, इन्होंने एक नारा दिया पूर्ण स्वराज का, मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1930 वी विल सेलिब्रेट दिस डे एज दी यू नो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो इस तरीके की जो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंटल यू नो चीजें हो रही थी भारत में। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में व्हाट डांडी मार्च प्लस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी, सो वी विल एंजॉय दैट यू नो टॉपिक ऑल्सो। सो इफ यू हैव लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, डाउट, प्लीज कमेंट बिलो एंड लेट अस नो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।